अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन एंड वैरायटी ऑफ वेरियस थिंग्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? वन हूज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड इन ए हेरिटेबल मैनर बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इनटू द जीनोम ऑफ इट्स जायगोट उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, और ट्रांसजीन क्या होता है कि वो डीएनए का मॉलिक्यूल जो हमने इंट्रोड्यूस किया होता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करने का उसको हम ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। तो एनिमल यूज कौन कौन से हमने किए हैं? मोस्ट कॉमनली माइस यूज होता है, उसके बाद शीप, गोट, चिकन, फिश, पिग्स, रैबिट्स, होर्स। ठीक है, तो माउस एक्सटेंसिवली यूज होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें जीन रेगुलेशन, ट्यूमर डेवलपमेंट, इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री, ये भी इजीली कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले है डिस्ट्रक्शन ऑफ जीन, तो ये किसी वेक्टर में ही होगा। तो वेक्टर में हम देखते हैं प्रमोटर और टर्मिनेटिंग सीक्वेंस, उसके दरमियान में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। कंस्ट्रक्ट यूजिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट जीनोम टू बी एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे ये रेड कलर में वेक्टर डीएनए और प्रमोटर और टर्मिनेट सीक्वेंस के दरमियान जीन डाल देते हैं अपना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ट्रांसजीन इनटू द एनिमल्स, तो इसके लिए तीन मेथड यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड है, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड है और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का मेथड है। तो सबसे पहले है हमारे पास रेट्रोवायरल वेक्टर मेथड। तो इसमें रेट्रोवायरस वेक्टर फॉर इंटीग्रेशन द ट्रांसजीन इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट सेल, ये हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस। लिमिटेशन इसमें लिमिटेशन क्या है? जो डीएनए आप वायरस के अंदर डाल रहे होते हैं उसका साइज छोटा होता है। ठीक है, और दूसरा इसके रिस्क फैक्टर ऑफ रेट्रोवायरल कंटेमिनेशन बिगेस्ट ड्रॉबैक है, नॉट इन रेगुलर यूज टूडे। तो इसमें ये आप दे सकते हैं, ये डोनर फीमेल है, इसमें आपने स्टेम सेल लिए, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करवाया, फिर आपने ट्रांसजीन वेक्टर के अंदर डाला हुआ है थ्रू वायरस के अंदर डाल के उसको आप एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर डाल देते हैं और फिर मदर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसका जो ट्रांसजीनिक मदर आती है और उसका क्रॉस कराते हैं जब तक हमारे पास होमोजेनिटी नहीं आ जाती। डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, जिसको प्रो न्यूक्लियस मेथड कहते हैं। मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली यूज्ड टेक्निक सिंस 25 इयर्स। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप फीमेल माउस को फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन देते हैं, जिसकी वजह से सुपर ओवुलेशन होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, सुपर ओवुलेटेड माइस आर मेटेड विद मेल और उसको जो फीमेल होती है उसको सैक्रिफाइड कर देते हैं। आफ्टर 12 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज ओसाइट्स फर्टिलाइज्ड फ्रॉम द मदर निकाल लिए जाते हैं मदर से, और फिर क्या होता है, सूटो प्रेग्नेंट फीमेल माउस फीमेल दैट हैज बीन मेटेड विद वैक्सटोमाइज्ड मेल माउस टू प्रिपेयर द फीमेल फॉर प्रेगनेंसी। फिर प्रेगनेंसी यानी कि फोस्टर मदर में वो एग रख दिया जाता है और उससे जो बच्चे आते हैं वो ट्रांसजेनिक होते हैं। अब ट्रांसजेनिक बच्चों को आपने कंफर्म करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं। पीसीआर करने के बाद आप सर्दर ब्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 65% फर्टिलाइज्ड एग थे उसमें से 25% इम्प्लांट ठीक है और सिर्फ प्रोड्यूस हुई है, यानी कि 25% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आए हैं।
डिसएडवांटेजेस क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रांसजीन इनटू द जीनोम इज ए रैंडम प्रोसेस इन एक्टिव एरिया नॉट एक्सप्रेस्ड और अंडर एक्सप्रेस्ड ये हो सकता है अवर इनकॉर्पोरेशन अब जो आपका जीन है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो गई टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली और लिवर एक्सटेंड इंटेंसिव प्रोसेस है इसमें ये बहुत कम यूज होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड साइट रिएक्टेड म्यूटाजेंस ठीक है इसमें क्या करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट अदर सेल टाइप्स जिसको प्लूरिपोटेंट कहते हैं ये वो लेते हैं इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कैन बी जेनेटिकली इंजीनियरिंग विद ओवर एंटरिंग द प्लूरिपोटेंसी सिलेक्टेड और उसको कल्चर किया जाता है और उसमें ट्रांसजीन को देखा जाता है ये आप देखें ये आपका एम्ब्रियोनिक सेल्स है ठीक है इसमें आपने ट्रांसजीन डाला थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन ठीक है और ये आपके पास ट्रांसजीन आया और इसको आपने फिर दोबारा से एम्ब्रियोनिक सेल में इंजेक्ट कर दिया और फिर एनिमल के अंदर इसका एक्सप्रेशन चेक किया सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजीनिक ट्रांसजीन कंटेनिंग सेल मेथड कौन से हैं मार्कर जीन कोडिंग फॉर थायमिडीन काइनेज ये मार्कर देखा जाता है दूसरे डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है इसका मार्कर देखा जाता है जो कि रेजिस्टेंट होता है मेथोट्रेक्सेट से न्यूमाइसिन फास्फोट्रांसफरेज का मार्कर देखा जाता है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक G418 और फिर PCR तो एनिमल ट्रीटेड यूजिंग दिस टेक्निक आर काइमेरिक ठीक है ये फोस्टर मदर है ठीक है ये इसमें आपने ट्रांसजीन डाला हुआ ठीक है ये काइमेरिक माउस है उसका नॉर्मल से आपने क्रॉस कराया ठीक है तो फिर नॉर्मल माउस और हेटरोजेनस माउस आपके पास आए फिर इनका आप क्रॉस कराते जाते हैं जब तक कि होमोजाइगस कंडीशन नहीं आ जाती जीन आउटपुट क्या है कि आप नॉर्मल जीन को या तो डिस्टर्ब कर देते हैं या उसकी जगह नया लगा देते हैं टारगेट जीन डिस्ट्रप्शन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस सिलेक्टेबल मार्कर जीन इनटू द कोडिंग रीजन लॉस ऑफ फंक्शन इन द ट्रांसजेनिक एनिमल जीन नॉकआउट का फायदा क्या होता है इसमें हम देख लेते हैं कि किसी जीन के निकालने या ऐड करने की वजह से कौन सी फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट चेंजेस आती हैं उनको देखते हैं तो स्टडी द मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन डिजीजेस ये इसको चेक करने के लिए भी हम जीन नॉकआउट करते हैं सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है डॉक्सिन नॉकआउट माइस इसमें हम डॉक्सिन जो है उसके जीन को इनएक्टिवेट कर देते हैं जिसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो किसकी तरह की होती हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये 250 टाइप्स ऑफ नॉकआउट माइस जो है आज तक हम बना चुके हैं ट्रांसजेनिक शीप एंड लैम्प इसको हम पहले बड़ी डिटेल में कर चुके हैं और इसका लेक्चर भी अपलोडेड है इसमें हम क्या करते हैं फीमेल से एग लेते हैं और दूसरे सोमैटिक सेल लेते हैं अल्टर सेल फीमेल मैमरी ग्लैंड से तो उसमें से न्यूक्लियस को लैदा कर लेते हैं और ओवम से न्यूक्लियस को लैदा कर लेते हैं यानी कि न्यूक्लियस निकाल देते हैं फिर इस एग के अंदर ये वाला न्यूक्लियस डाल देते हैं और फिर उसकी होती है फर्टिलाइजेशन और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है और उसको फीमेल में इम्प्लांट कर देते हैं उससे आपके पास ट्रांसजेनिक शीप आए ये आप देखें ये एग है इसे न्यूक्लियस निकाला और ये न्यूक्लियस निकाला आपने अटर सेल से और इनकी आपने फ्यूजन करवाया फ्यूजन के बाद आपके पास क्लोन आया क्लोन को आपने मदर के अंदर डाल दिया और उससे आपके पास थेरेप्यूटिक चीजें बनी जो आपने डिजायर चाहिए अदर यूजेस इसकी क्या है स्टेम सेल रिसर्च में हेल्प आउट करती है डोनी शीप पर रिप्रोडक्टिव और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में हेल्प आउट करती है इंटर स्पीशीज न्यूक्लियर ट्रांसफर में हेल्प आउट करती है ट्रांसजेनिक चिकन ठीक है मेथड इंफेक्टिंग एम्ब्रियोस विद ए वायरल वेक्टर कैरिंग द ट्रांसजीन ट्रांसफर ह्यूमन जीन इनटू द रोस्टर स्पर्म्स तो ये हम इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए वायरल वेक्टर यूज करते हैं प्रोड्यूस 0.1 ग्राम ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन ईच एग ये देखिए ना
ट्रांसजेनिक चिकन प्रोड्यूस करने का फायदा होगा। जो स्पर्म में आपने जीन डाला था एक्स्ट्रा ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करने का, वो काम कर गया। एडवांटेज कॉस्ट फैक्टिव एंड करेक्ट शुगर टू ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन अनलाइक इकोलाइन। आगे है आपके पास ट्रांसजेनिक फिश मेथड, इसमें डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं, मोस्टली यही प्रेफर्ड मेथड होता है जितने भी ट्रांसजेनिक। मास जीन ट्रांसफर मेथड, इसमें लिपोफेक्शन है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रोपोरेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड स्पर्म सेल्स। ज़ेब्रा फिश है, इसमें ऑप्टिकली क्लियर सेल फिश बनाते हैं उसके क्लियर जीन डाल के। स्टडी एंड क्योर्ड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसके जरिए हम करते हैं। ट्रांसजेनिक रेनबो ट्राउट, जिसको ऑर्कोरिंकस मिस्किस भी कहते हैं, स्टडी मसल डेवलपमेंट सोर्स ऑफ प्रोटामिन। ये प्रोटामिन एक बेसिक प्रोटीन होती है जो कि एप्लीकेशन के साथ पाई जाती है। ट्रांसजेनिक ग्रास का ये एक टीनो फ्रेंगो डॉन आइडिलिया प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन लैक्टोफेरन प्रोटीन है, ठीक है। पेट फिश, इसमें ग्लो फिश है, जिसमें मेडाका ट्रांसजेनिक एंगल फिश है, इसके अलावा लाइन हेड फिश है। ट्रांसजेनिक पिग्स में देखें तो इसमें स्पर्म मीडिएटर जर्म सेल हम ट्रांसफर करते हैं, स्पर्म्स के अंदर चेंजेस लेके आते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल एग विद द स्पर्म दैट हैव इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन डीएनए, यानी कि स्पर्म के अंदर हमने फॉरेन डीएनए डाला हुआ है जिसमें हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आना चाहते हैं, लेकिन इसकी एफिशिएंसी लो होती है, पुअर अपटेक ऑफ ट्रांसजेनिक होती है। एनवायरोबिक आपने सुना होगा, क्रिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग पाइटेज जीन ऑफ इकोलाई सोर्स फॉर आर्किक ट्रांसपोलेशन प्लांटेशन फॉर ह्यूमन इन फ्यूचर। ट्रांसजेनिक रैबिट्स, फर्स्ट ट्रांसजेनिक रैबिट कम इन 1985, मेथड प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन जो है इसके लिए किया था। मॉडल फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एड कैंसर सर्च, इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूसिंग लार्ज स्केल विद लो कॉस्ट ह्यूमन अल्फा ग्लूकोसाइलेटेज ह्यूमन एरिथ्रोपोयेटिन एंड ह्यूमन एडिनोसिन ट्रांसमेलेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये ट्रांसजेनिक को 1990 के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेनिक को जो है वो आई, जो के हरमन द बुल के नाम से नेदरलैंड के अंदर प्रोड्यूस हुई। हरमन कैरीड द ह्यूमन लैक्टोफेरन जीन प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन मेथड से, उसने लैक्टोफेरन जीन डाला। कोज मिल्क एंड आर्टिफिशियल फार्मूला डू नॉट नेचुरली कंटेन लैक्टोफेरन, तो इसके बाद लैक्टोफेरन आनी शुरू हो गई। अदर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन द ट्रांसजेनिक कोज मिल्क इज लाइसोजाइम ह्यूमन लैक्टो लैक्टाल ह्यूमन है, रेड थ्री फैक्टर है, फैक्टर नाइन और एट और नाइन है जो कि हीमोफेलिया करते हैं, वन और टू। ट्रांसजेनिक मंकी जिसको एंडी कहते हैं, फर्स्ट ट्रांसजेनिक रेसिस मंकी 2000 में आई थी, 20 में इंसर्टेड डीएनए स्पेल्ड बैकवर्ड्स ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का जीन डाला था, जिसकी वजह से उनका फेस जो है वो ग्रीन हो गया था, और बाद में एक्स्ट्रा ग्लोइंग जीन डाला था जिसकी वजह से वो उनकी स्किन बड़ी शाइन करती थी, ग्लो करती थी। टू फाइंड क्योर फॉर कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन डिजीजेस, जिसमें कैंसर है, अल्जाइमर है, एड्स है और डायबिटीज मेलिटस है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, ये डिजीज मॉडल में ट्रांसफार्मर के तौर पर, जीनो प्लांटर के तौर पर, फूड सोर्सेज के तौर पर और बायोलॉजिकल मॉडल के तौर पर इसकी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले एड्स आउट्स, एनिमल नॉट नॉर्मली ससेप्टिबल टू एचआईवी इन्फेक्शन और एड्स, मंकी इन्फेक्ट विद एसआईवी इक्विवेलेंट टू एचआईवी, एक्सपेंसिव मेथड। फर्स्ट एड माउस, जिसके अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है माउस का, वो बहुत ही वीक हो गया था, ह्यूमन लिम्फ नोड इम्प्लांटेड एंड इन्फेक्टेड विद एचआईवी, फिर उसके अंदर ह्यूमन लिम्फ नोड इम्प्लांट किए गए ताकि एचआईवी की नेचर को स्टडी किया जाए। अर्ली ट्रांसजेनिक एड्स माउस कैपोसी सारकोमा, ये कैंसर हो गया था, कॉमन कंडीशन सीन इन पीपल इन्फेक्टेड विद एड्स।
अदर एनिमल यूज फॉर एचओएलवी एंड एड सर्च इसमें रैट्स कैट्स रेबिस और ड्रोसोफिला है एडवांटेज ऑफ माइस मॉडल चीन मच इज ऑलरेडी नोन अबाउट देयर जीन्स इन माउस एनिमल मॉडल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी एंड कैन बी यूज्ड टू डेवलप ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन्स। आगे है अल्जाइमर माउस। अल्जाइमर में माउस में क्या होता है, इज ए न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है एमलाइड बीटा पेप्टाइड प्रोटीन का फ्रेगमेंट जो है वो अकुमुलेट करता जाता है, लैग बन जाता है उसका और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। फ्रेगमेंट ऑफ बीटा एमलाइड प्रकर्सर ऑफ प्रोटीन फर्स्ट अल्जाइमर माउस इनकॉर्पोरेटेड एन एपीपी म्यूटेशन यानी कि एमलाइड पेप्टाइड प्रोटीन म्यूटेशन। न्यूरोटॉक्सिक जो है एमलाइड बीटा पेप्टाइड अपीयर्ड इन द सेम पार्ट्स ऑफ द अल्जाइमर माउस ब्रेन एज इट डन इन ह्यूमन ब्रेन। फिर उसकी पैथोलॉजी को टेस्ट किया गया वाज यूज्ड टू ट्रीट ये जो आपका है अल्जाइमर डिजीज वैक्सीन। इसकी वजह से हमें वैक्सीन बनाने में हेल्प हुई, आपने तजर्बात किए गए माउस के ऊपर, अगर वो ट्रीट हो गए तो इसका मतलब है ह्यूमन भी ट्रीट हो जाएंगे। Effective in removing the amyloid plaque and the ये जो आपका Alzheimer disease है mice है का swelling of central nervous system skin lesion produce करते हैं, trial were halted बाद में इसको जब कामयाबी इतनी नहीं मिली तो halt कर दिया। आपको माउस यानी कि जिनको हमने कैंसर कास्ट किया फर्स्ट पेटेंट ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो माउस था created by Philip Later and Timothy Stewart of Harvard University in 1984 to study cancer formation and screen anti-tumor drugs. 13 different strains were engineered to contain a human oncogene that caused tumor formation. वो इसमें भी induced हुआ है। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल व्हिच आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस ह्यूमन फार्मास्यूटिकल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन देयर सलाइवा इन मिल्क इन यूरिन एंड इन ब्लड, इसको हम कहते हैं फार्मा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा मिल्क यूरिन और ब्लड के अंदर। इन 1920 इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पिग पैनक्रियास इन अर्ली 1980s human insulin prepared in the recombinant bacteria. Synthesis of complex protein required post translational modification to remain stable like mammalian cells के अंदर। Transgenic animal producing recombinant protein इसमें मिलकर है जिसमें हम produce करवाते हैं human anti thrombin 3 protein. Chicken egg के white के अंदर हम ये human इंटरफेरॉन प्रोटीन्स और डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं। माइक्रो इंजेक्शन एंड न्यूक्लियर ट्रांसफर मेथड यूज करते हैं, इसमें इंसुलिन फॉर डायबिटीज है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन है फॉर ये इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। वैक्सीन बनाते हैं, ग्रोथ हार्मोन फॉर रिएक्शंस ऑफ डेफिशिएंसी, coagulation factor है, lactoferrin as an infant formula feed. Xenotransplanters क्या होते हैं, transgenic animal that are genetically modified to have organs that can be transplanted into human. Xenotransplant में क्या होते हैं कि उनके organ हम humans के अंदर ऐसे transgenic animals के organ आप ह्यूमन के अंदर लगाते हैं। इसको ट्रांसफार्मर में प्रोटीन प्रोड्यूस होती है सलाइवा मिल्क और यूरिन के अंदर, ट्रांसप्लांटर्स के अंदर जीनो ट्रांसप्लांटर के अंदर क्या होता है कि हम ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करते हैं उनसे लेके। डू नॉट एक्सप्रेस है कि फॉरेन एंटीजन्स प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव टू ह्यूमन डोनर्स। Pig is the only animal used in its physiology closely matches that of humans. Much less expensive than the monkey and other primates. Food sources, creation of animals that grow in larger without much food, more efficient, more effective food sources. So, ये हम ऐसे एनिमल बना रहे हैं जो खाते कम हैं लेकिन पलते ज्यादा हैं।
ethically and safely concerned, not yet produced commercially at food sources, only for the research purpose हम यूज करते हैं. Superfish does not have the same ethical concern as a superfish or other mammalian models. इसी तरह aqua advantage salmon genetically modified Atlantic salmon है by injecting growth hormone regulating gene from Pacific Chinook salmon. Transgenic biological model में creation to increase our knowledge about the function of a protein. ठीक है, हम जो नॉलेज है प्रोटीन के मुतालिक उसको कंप्लीटली इसमें स्टडी करते हैं. Our expression the gene encoding that protein, knock it out और फिर उसका expression चेक करते हैं. In biology and genetic study, ND और smart mouse और youth mouse इसमें यूज होते हैं. स्मार्ट माउस को होते हैं बहुत बड़े तेज होते हैं, सुपीरियर लर्निंग एंड मेमोरी उनकी बड़ी तेज होती है. इसमें क्या करते हैं, आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, इसको डुगी माउस कहते हैं जो स्मार्ट माउस है. मॉडिफाइड टू ओवर एक्सप्रेस NR2B ट्रांसजीन इन द कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस थैलेमस ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम एरिया. तो इसमें हम ये जीन चेंज करते हैं जिसकी वजह से इनकी स्मार्टनेस ज्यादा हो जाती है. यूथ माउस जो यंग रहते हैं इसमें हम मूपा माइस जीन के अंदर अल्फा मूपा के अंदर चेंज लेके आते हैं. ईट 20% लेस, लाइव 20% लॉन्गर देन द वाइल्ड टाइप, एक्सेप्ट ए यंग लुक इवन एट ओल्ड एज, लोअर बॉडी टेम्परेचर. तो इसमें जीन चेंज करने की वजह से खाते वो कम है, जिंदा ज्यादा रहते हैं. यूज योर बायोलॉजिकल मॉडल स्टडी द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एजिंग. ये जो यूथ होम्स है, डिस्पोजिबल ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इनको आपने प्रॉपरली इंसिनरेट करना है यानी कि जलाना है, या इनको बड़ी तह लगा के इनको दफन करना. ट्रांसजेनिक एथिक, इसमें तीन आर होते हैं, देयर आर 3 R's इन द ट्रांसजेनिक एथिक. रिडक्शन ऑफ एनिमल नंबर्स, यानी कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें जितना काम हो सकता है उतना एनिमल नंबर काम करें, लेकिन नहीं होता. रिफाइनमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड हस्बेंड्री टू मिनिमाइज द पेन एंड द स्ट्रेस. दूसरा आ रहा है कि आप पेन कम करें जो आप ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं. तीसरा है रिप्लेसमेंट ऑफ एनिमल विद नॉन एनिमल अल्टरनेटिव्स वेयर एवर पॉसिबल. तो एथिकल इश्यू, इन्वेसिवनेस ऑफ द प्रोसीजर, इन्फ्लिक्ट पेन एंड डिस्ट्रेस, सैक्रिफाइस सम एनिमल्स, जो कि कंट्राडिक्शन है सेकंड टू आर स्टेटमेंट. रिफाइनमेंट यानी कि पेन नहीं दे, पेन तो होता है जब आप करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल्स को. लार्ज नंबर ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन कैरी ट्रांसजीन, इसलिए हमें लार्ज एनिमल नंबर यूज करना पड़ता है. लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कंट्राडिक्शन टू फर्स्ट आर, ये अभी आप नहीं कर रहे. Unanticipated welfare concern, negative welfare impact, transgenic techniques unpredictable and inefficient. तो हमें refinement लेके आने पड़ेगी. Incorrect side of integration of transgene, pro-nuclear microinjection, unexpected outcomes like susceptible to stress, diseases and fertility decrease हो जाती है और lifespan कम हो जाता है. ये होता है इसके side effect. कॉन्फिडेंशियली कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंटिंग इट, अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल. अपने रिसर्च के चक्रों में आप डुप्लीकेट रिजल्ट लगाए जाते हैं, रिजल्ट जाते हैं जो कि चैलेंज करती है फर्स्ट आर. ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, पेटेंट जो लिख रही है उसको बढ़ाने के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं एनिमल्स को. बिहोर एनिमल वेलफेयर बिफोर व्हाट इज, व्हाट इज पॉसिबल टू डू, नो व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू. अब क्या है, क्या करना चाहिए, टू गो बिहोर 3 R एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर, टू डिसरिगार्ड एंड वायलेट स्पीशीज इंटीग्रिटी, टू ब्लर द लाइंस बिटवीन द स्पीशीज, रिस्क ऑफ एल्टरिंग द इकोसिस्टम. ये सारे रिस्क तो रहेंगे जब तक आप ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे रिस्क रहेंगे. डिबेटेबल टॉपिक्स है ये. इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है,
लेस इनवेसिव मेथड यूज करें आप, ठीक है, ना सर्जिकल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, रिमूव द नीड फॉर इनवेसिव सर्जरी, ये भी खत्म हो जाएगी। डेथलेस ट्रांसजेनेसिस करें, रिमूव द नीड टू एथनाइज फीमेल्स, आप उसको ना स्लॉटर करें। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर अनवेलकम आउटकम, अगर वो हेल्दी आउटकम नहीं आ रही तो उसको देखें। न्यू मेथड टू डिक्रीज अनप्रेडिक्टेबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ जीन इंसर्शन, ठीक है। थैंक यू, आप इसमें से आपके क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चंस आर इनवाइटेड।